राजस्थान के उदयपुर में एक खेत में भीषण आग लग जाने से फसल जलकर राख हो गई। बताया गया कि खेत के मालिक ने फसल को काटकर उसे एक जगह इकट्ठा किया था, जिसमें अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई। आग की लपटों ने पूरी फसल को जला दिया। वहीं एक ट्रांसफार्मर भी नजर आया, जिसमें आग के फैलने का डर था, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही थी। गांव के लोगों ने दमकल विभाग को तुरंत इसकी खबर दी, जिसके बाद खेत के रास्तों से होकर दमकल की गाड़ी किसी तरह वहां पहुंची। हालांकि जब तक दमकल कर्मचारी आग को बुझा पाते, खेत का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। बताया गया कि इस घटना में लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। इंडोनेशिया में तबाही की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। बारिश के बाद आई तबाही की लहरों ने चारों तरफ बर्बादी फैला दी। मकान, बाजार, पेड़ और पुल, जो भी सामने आया सब बह गया। सैलाब में डूबा शहर, अचानक बरपा कुदरत का कहर, बेघर हुए सैकड़ों परिवार, सैलाब के सितम की ये तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। बोनोवासो नदी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सैंपोल शहर को अपने आगोश में ले लिया। पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके पर बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते पूरी बस्ती सैलाब की भेंट चढ़ गई। सैलाब की रफ्तार ने अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को नहीं बख्शा। सैकड़ों सालों से जमे पेड़ एक झटके में उखड़ गए, जबकि इंसान के बनाई बस्तियां सैलाब में किसी तिनके की तरह बह गई। लोग अपनी आंखों के सामने तबाही का ये मंजर देखते रहे। इस दौरान कई परिवार तो ऐसे भी थे जिनके अपने आशियाने उनकी आंखों के सामने बह गए, लेकिन कुदरत की इस तबाही के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। अचानक आई इस आसमानी आफत ने सैंपोल के निचले इलाकों में इस कदर तांडव मचाया कि किसी भी चीज को बचा ले जाने का वक्त तक नहीं मिला। आलम यह हो गया कि इस सैलाब ने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी तबाह कर दिया। बारिश गुजर जाने के बाद भी सैलाब ने अपना असर कायम रखा। लहरों का शोर इस कदर भयानक था कि कोई उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका।